जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई स्पीड में इतनी ग्रोथ आ चुकी है, और कुछ एक टहने में इस तरह से बिल्कुल भी पत्तियां नहीं निकली है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो सबसे मेन कारण इसका ये है कि भाई हमारे बगीचे में वायरस आ चुके हैं। ये वायरस आने के लक्षण होते हैं इस तरह की। यदि आपके अर्चड़ों में भी कुछ टहनियाँ इस तरह की दिखाई दे रही हो तो आप ऐसा जान ले कि भाई हमारे बगीचे में वायरस आ चुका है। यदि इस तरह के लक्षण आपके बगीचे में दिखाई दे तो यदि आप इस पेड़ में जिस भी टूल से वर्क कर रहे हो, यदि कैंची हो, चाकू हो, या कोई भी कसी या फरुआ हो, उसे सैनिटाइजर करके फिर दूसरे अगले पौधे में यूज़ करें उस औजार को, नहीं तो ये वायरस आगे से आगे पहुंचेगा। ये वायरस है, तभी बागवानों से मेरी एडवाइजरी रहती है बार बार की भाई हर कहीं से कलमें ना लाए, क्योंकि हमने कलमों के ही द्वारा ये वायरस अपने बगीचे तक पहुंचा दिए हुए। यहाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी ग्रोथ निकल रही है अभी। यहाँ देख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं, वायरस है। पूरी तरह से वायरस आ चुका है। यदि इस पेड़ की आपने प्रूनिंग करनी है तो जो कैंची होगी, इसके जो कैंची लगी होगी, सैनिटाइजर के बिना अगले पेड़ में ना लगाए, बाकी कोई उपाय नहीं है वायरस से बचने के लिए। वायरस ना कोई दवाई से ख़त्म होगा, चाहे किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ करो, चाहे ऑर्गेनिक साइड से किसी भी दवा का उपयोग करे, तो ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। वायरस तभी ख़त्म होगा जितनी हम सावधानियां बरतेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, वायरस पॉली मीडिया की तरह स्पेद स्पेद पत्ते। यदि आप इन ऐसे टहनों और ऐसे पेड़ों में हाथ भी लगाते हैं तो अपने हाथ को भी सैनिटाइज करके अगले पेड़ में लगाएं। ये वायरस है, ये आगे से आगे छूने में ही जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, और बाग बिल्कुल तंदुरुस्त है इसका, और तीन चार टहने में नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी इसमें। इस बार बिल्कुल पूरी तरह से घुट गई इसकी ग्रोथ, मेन कारण वायरस आने का है। यहाँ देख सकते हैं आप, पत्ते का जो कलर भी इस तरह का है। यदि आपके बगीचे में भी पत्ता इस तरह से छोटा और सफेद पौड़ी मीडिया की तरह हो तो आप जान ले कि भाई हमारे पौधे में वायरस आ चुका है। कृपया इन सावधानियों को फॉलो करें ताकि आपके वर्चर में भी इस तरह के वायरस ना जाए। क्योंकि हमारे अर्चड़ों में हजारों प्रकार के वायरस आ चुके हैं। मैं देख रहे आप, मेरी यही एडवाइजरी रही कि भाई हर कहीं से कलमें ना लाए। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है रोग से। किसी भाई का कहना रहेगा कि भाई आपने ऑयल ज़्यादा डाला होना, क्योंकि हमने इस साल TSO इस अर्चड़ में मारा ही नहीं, ना कोई
ऐसी रासायनिक दवा छिड़काव किया कि भाई जिससे इस तरह से सूख जाएंगे। आप देख सकते हैं भाई कुछ एक भाग इस तरह से अच्छी ग्रोथ में, और तीन चार जो टहनियाँ हैं बिल्कुल ग्रो इस रोग से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पत्ते का रंग देख सकते हैं आप, क्योंकि जो वायरस हमने खुद पे खुद पैसे देकर अपने बगीचे में पहुंचा दिए। इस वायरस का किसी भी डॉक्टर के पास ना इलाज है और ना इसकी दवा है, सिर्फ इसकी रोकथाम हम सावधानियों को फॉलो करके कम कर सकते भाई, ताकि आगे से आगे वायरस ना जाए।